अस्सलाम वालेकुम टॉल। तो आज हम मज़ेदार से टेस्टी से मालपुए बनाकर तैयार करेंगे। रमज़ान स्पेशल मालपुए बनाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ मालपुए बनाकर तैयार करेंगे। रमज़ान में अगर मालपुआ नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ये बच्चों के, बड़ों के, सभी के फेवरेट स्नैक्स होते हैं। बहुत ही मीठे मीठे से, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से मालपुए बनकर रेडी होते हैं, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। देखिए इसका लुक, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई होती है। रमज़ान में अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इफ्तार में बहुत ही अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ेगा। बनाने में बहुत ही आसान और सिंपल वे में बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल ले लेंगे, जिसमें हम 1 कप भर के गेहूँ का आटा डालेंगे। इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि 1/4 कप यानी कि 1/4 कप हम इसमें रवा डालेंगे, सूजी ऐड करेंगे। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें दरदरा से कुटा हुआ सौंफ ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूध ऐड करने वाले हैं, दूध से हम इसको भिगोने वाले हैं। टोटल हमने 1 ग्लास दूध ऐड किया है, 1/2 ग्लास हमने मलाई वाला दूध ऐड किया है और 1/2 ग्लास हम इसमें गुनगुना दूध ऐड करेंगे, ताकि हमने जो सूजी ऐड की है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से घुल जाए और अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा रानी सा हमारा बैटर बनकर रेडी होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से इसको विक्स करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे कंसिस्टेंसी के हिसाब से और उसको मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से विस्कर की मदद से फेंटने के बाद अब हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए हम इसको चम्मच की मदद से एक मरता चेक कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए और इस तरह से गिराने से ही अच्छी तरह से रनी वे में गिरना चाहिए। अब हम उसको साइड में रखेंगे, 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के लिए रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि मालपुए के लिए शीरा बनाकर रेडी कर लेंगे। शुगर सिरप बनाना है, जिसके लिए एक पैन ले लेंगे। 1 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने चीनी ऐड की है उसी कप से हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से केसर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पका लेंगे। हम गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है हमें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, बल्कि 1 तार का शीरा बनाकर तैयार करना है। बस इस हद तक पकाना है कि चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल जाए। अब हम हाई फ्लेम पर उसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है, 2 मिनट के लिए पका लेंगे और ताकि ये चिपचिपा सा इसमें एक टेक्सचर आ जाए। 2 मिनट पकाने के बाद हमने गैस के फ्लेम को लो कर लिया है। तो देखिए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए, हाई टू लो फ्लेम करते हुए एक मरतबा चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से टच करने से चिपचिपा सा होना चाहिए इस तरह से। अब हमारा शुगर सिरप कम्प्लीटली रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे कि मालपुआ बनाकर रेडी करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे हम। 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल डालना है, जो हमने बैटर बनाकर रेडी किया था। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1 कटोरी भर के बैटर ले लेंगे हम, ऊपर से डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से गैस के फ्लेम को हम लो कर लेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये फूल कर नीचे से अलग हो जाए तब तक हमें पलटना नहीं है, बल्कि इसको वेट करना है अच्छी तरह से ये फूल कर ऊपर तक आने के लिए। जब ये अच्छी तरह से नीचे से कुक हो जाए तो खुद ब खुद ये ऊपर आ जाएगा फूलने के बाद। 2 से 2.5 मिनट बाद खुद ब खुद ये ऊपर आ चुका है। अब हम उसको ऊपर से ऑयल हल्का सा डालते जाएंगे और इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से सुनहरी कलर आने के बाद हम उसको पलटना है, जिसके लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम करते हुए हम उसको अलट पलट करते हुए पका लेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हमें 1 मालपुए को लगेंगे कुक करने के लिए अच्छी तरह से, इसका गोल्डन सा कलर आने के लिए। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको नहीं तलेंगे, बल्कि एकदम लो फ्लेम पर हम इसको तलेंगे। टाइम टेकन रेसिपी है ये, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। देखिए ज़बरदस्त से हमारा मालपुआ बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में हमने ज़बरदस्त से मालपुए बनाकर रेडी कर लिए हैं।
इसी प्रोसेस से हम सारे मालपुए बनाकर रेडी कर लेंगे। वन बाय वन हर 5 से 6 मिनट बाद एक एक मालपुआ बनकर रेडी हो जाएगा। आप उतने ही बना सकते हैं। बखे का बैटर आप फ्रिज में रख सकते हैं इजीली 8 से 10 दिन के लिए। बैटर हमारा अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब हमने जो सिरप बनाकर रेडी किया है, सिरप में हम मालपुओं को डिप करते जाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको सोक करने के लिए शीरे में डाल देंगे। देखिए करीब 1 मिनट तक इसमें रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे मालपुए डिप करते जाएंगे शीरे में, और उसको अच्छी तरह से शीरा सोक करने के बाद हम निकाल कर प्लेट में साइड में रखते जाएंगे। इसी प्रोसेस से हमने सारे मालपुए अच्छी तरह से सोक कर लिए हैं, अच्छे से शीरे में डिप कर लिए हैं। देखिए ये देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा हम इस पर पिस्ता ऐड करेंगे और केसर ऐड करेंगे, और शीरे को ऊपर से डालते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा ये सोक कर ले, अच्छा सा ये देखने में इसका लुक क्रिएट हो और जूसी जूसी सा क्रिस्पी सा हमारा मालपुआ बनकर रेडी हो जाए। तो देखा आपने कितने आसान और सिंपल वे में ज़बरदस्त से मीठे मीठे से मालपुए हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, जो कि टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इस रमज़ान मालपुए ज़रूर बनाकर तैयार करें और सबको खुश करें। इफ्तार में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।